प्रधानमंत्री जी से मैंने भेंट की। उनकी ऊर्जा हमारी प्रेरणा है और उनके आइडियाज मुझे कई नई योजनाएं बनाने की राह दिखाते हैं विभिन्न विषयों पर। उनका मार्गदर्शन मिला। मैंने मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है, कोविड की, उसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश में कोविड नियंत्रित है। 8-10-12 पॉजिटिव केस आते हैं, एक्टिव केस केवल 127 है। टीकाकरण मध्य प्रदेश में 88% से ज्यादा हो गया है, फर्स्ट डोज का। सेकंड का 27% है। लगातार हमारा काम चल रहा है। फिर बारिश की स्थिति के बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई, लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है, तो उसकी भी मैंने उनको जानकारी दी। इंदिरा सरोवर जैसे बांध हमारे अभी खाली हैं। खाद की स्थिति के बारे में चर्चा हुई, क्योंकि पानी इतना गिर गया कि फसलें ठीक है। मध्य प्रदेश में हमने एक योजना बनाई सीएम राइज स्कूल की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। मध्य प्रदेश में 25-30 किलोमीटर के केंद्र पर हम एक विद्यालय खोल रहे हैं, सीएम राइज स्कूल चर्चा में से नाम निकला था। आसपास के 20-25-30 किलोमीटर के दूर के जो बच्चे हैं वो बसों से उस स्कूल में पढ़ने आएंगे, दिन भर में अध्ययन करेंगे और शाम को वापस उनको घर छोड़ेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन वर्तमान शिक्षकों में से ही किया जाएगा इंटरव्यू लेकर। गणित के, अंग्रेजी के, साइंस के टीचर्स की ठीक उपलब्धता, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब सबका इंतजाम। इस शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमारा प्रयोग है, उसके बारे में मैंने उनको पूरी जानकारी दी। इस साल 350 स्कूल हम खोल रहे हैं और उन्होंने एप्रिशिएट करते हुए मुझे कहा कि उसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए, एक नया प्रयोग ये हो सकता है। एक और विषय है जिस पर हमारी चर्चा हुई, जो सरप्लस प्रोडक्शन है कुछ फसलों का और कुछ की कमी है। हमको दाल चाहिए, हमको ऑयल सीड्स चाहिए, उस पर भी मध्य प्रदेश कैसे बेहतर काम कर सकता है। मध्य प्रदेश मॉडल बने कि जिन चीजों की जरूरत है उनको हम उत्पादित करें, क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है कई चीजें, और एक्सपोर्ट की संभावनाएं वाली चीज कैसी, जैसे मध्य प्रदेश के चिनोर चावल को अब जीआई टैग मिल गया, बासमती मध्य प्रदेश की पहचान है, लेकिन बाकी ज्यादा उत्पादन वाले वैरायटीज के कारण ये पीछे चले गए। हम कैसे इनको स्थापित करके एक्सपोर्ट क्वालिटी का उत्पादन कर पाए। फिर एक और मुझे